हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास सेवेंथ का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंपल इक्वेशंस आप करेंगे। तो बच्चों, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी सारे आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, प्रीवियस सेशन में हम कर चुके हैं बच्चों। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे और हम उसके बाद क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, सिंपल इक्वेशंस, हिंदी में इसको हम सरल समीकरण बोलते हैं। सरल समीकरण क्या होता है बच्चों? तो यहां से आपको पता लगेगा कि जो सिंपल इक्वेशन होती हैं, सरल समीकरण होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। एन इक्वेशंस मीन दैट द टू थिंग आर इक्वल। ये चीज समझ लीजिए, कोई समीकरण इक्वेशन है तो उसका मतलब होता है कि दो चीजें इक्वल हैं। वहां पे हम इक्वेलिटी या फिर हिंदी में उसको समीका बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इक्वेलिटी या फिर समीका का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी हमें एक तराजू की जरूरत पड़ती है इक्वेशन को शो करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए, तराजू क्या होती है, वो बैलेंस बना के रखती है। ये दोनों देखिए, दोनों जो पलड़े हैं इसके, ये बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, किसी तरफ ये झुक नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो वजन है वो इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मार्बल्स आप देख पा रहे हैं वो बराबर होंगे दोनों तरफ। अब इसमें तो ज्यादा मार्बल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कम दिख रहे हैं, तो भाई देखने में तो ये कम लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे सारे ओपनली रखे, खुले हुए रखे मार्बल, जबकि यहाँ दो बैग्स में भर के रखे गए हैं और चार मार्बल, पांच मार्बल आपको वैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि भाई जो बैग है इसके ऊपर एक्स लिखा है। ये एक्स क्या है? ये है बच्चों कि एक बैग में पता नहीं हमें कितने मार्बल हैं, इसलिए उनको एक्स मार्बल मान लिया है। एक्स क्या होता है बच्चों? एक्स वेरिएबल होता है, हिंदी में उसको चर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। वेरिएबल का ये फायदा है कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे तो मेरे को दिख रहे हैं पांच मार्बल है, तो ये पांच ही बोलेंगे इसको, लेकिन एक्स है तो एक्स में इसमें दस भी हो सकते हैं, पंद्रह भी हो सकते हैं, बीस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स, इसीलिए हमने इनका वेरिएबल एक्स मान लिया है। अब देखिए, तो स्केल जो है वो क्या करते हैं? एक्सप्रेशन शो करते हैं। क्या एक्सप्रेशन है? दो एक्स प्लस पांच। तो दो एक्स क्या हुआ बच्चों? दो एक्स यहाँ पे इसको लिया गया है। एक्स तो बैग के अंदर जितने मार्बल हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और देखिए, दो एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो मार्बल्स हैं, दो बैग हैं, इसलिए टू एक्स यहाँ पे लिखा गया है। पांच मार्बल अलग से यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए प्लस फाइव लिख दिया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पलड़ा है उसमें ये चीजें रखी हैं। तो इसका एक एक्सप्रेशन बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे 2x प्लस 5। और ये किसके बराबर होगा? जो राइट हैंड साइड में रखा है। यहाँ पे आप गिनेंगे तो ये 21 मार्बल रखे हैं, तो ये 21 मार्बल के बराबर है ये जो सारा सामान लेफ्ट साइड में रखा है। तो अगर हम गिन नहीं पा रहे तो क्या हुआ? ये तो हमें अंदाजा लग गया कि टोटल जो मार्बल है लेफ्ट साइड में वो भी 21 होंगे। अब हमें एक बैग के अंदर कितने मार्बल हैं ये नहीं पता, तो ये कैसे पता लगेगा बच्चों? इसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होगी। देखिए, यहाँ पे बोला गया है x इज नंबर ऑफ मार्बल इन ईच बैग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? हमने यहाँ पे तो बच्चों हमने 2x प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पलड़ा है वहां पे लिख दिया 2x प्लस 5, और राइट हैंड साइड जो है वहां पे 21 मार्बल हैं तो 21 लिख दिया। अब ये तो आप समझते हैं कि ये दोनों तरफ बराबर है, इक्वल है, तो हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये इक्वल टू का निशान लगा दिया मैंने, और जहां पे ये समीका आ गई, इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेलिटी, इक्वेलिटी या फिर हिंदी में समीका इसको बोलेंगे। तो जहां पे ये इक्वेलिटी आ गई वहां पे ये इक्वेशन बन गई, यानी समीकरण बन गया बच्चों। ये चीज समझिए, और बच्चों पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, ये तो बच्चों आपको पता है कि भाई इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का मतलब है कि दोनों तरफ चीजें इक्वल हैं, बराबर हैं, है ना, दोनों तरफ चीजें सेम हैं। और यहाँ पे हम तराजू का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ साइड्स बैलेंस हैं, वो इक्वल हैं। तो दिस पेयर ऑफ स्केल, अब ये नया हमारे पास वो है, मतलब तराजू पे हमने नया सामान रखा, नई चीजें रखी हैं, ठीक है। तो पिछले वाले में क्या था कि इस तरफ 21 मार्बल्स थे और इस तरफ दो बैग्स थे और कुछ यहाँ पे मार्बल्स थे। लेकिन अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो देखिए दो बैग और 5 मार्बल एज इट इज है ना। तो दिस पेयर ऑफ स्केल शो दैट एक्सप्रेशन 2x+5, ये तो वही है जो पिछली बार था, लेकिन इस बारी यहाँ पे एक बैग रख दिया राइट हैंड साइड में और आपको 10 मार्बल्स दिखेंगे, एक बैग और 10 मार्बल्स, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। तो हमें अगर पता लगाना है एक बैग में कितने मार्बल्स हैं तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और इक्वेशन क्या होगी, देखिए ये तो हो गया 2x+5 और ये हो गया x+10, तो टोटल कितना हो गया, एक्स 2x+5 बराबर है x+10, दोनों इक्वल हैं। देखिए कोई सा तराजू झुका नहीं है किसी तरफ, इसीलिए ये इक्वेशन बन गई है, ये बैलेंस है इसीलिए। तो यहाँ पे 2x+5 बराबर है x+10, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों जो मैं आपको ये समय दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए, इसमें आपको नोट डाउन करना है, तो अपनी सब नोटबुक्स में लिखिए बच्चों, ऐसे खाली नहीं बैठना, आपको अपनी नोटबुक्स खोल के इसको नोट डाउन करना है, लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ऐसे समय वेस्ट मत करो बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि वी कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय रिमूविंग इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स फ्रॉम ईच पेन सो दैट स्केल रिमेन बैलेंस्ड। तो हमें अब एक्स का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझना है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड 2x+5 है ना, और राइट हैंड साइड 21 है। अब हम क्या करते हैं कि भाई दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ पे निकालते रहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि दोनों तरफ से एक एक मार्बल निकाल दिया, ठीक है। अब कितना बच गया, आप देखिए रेड कलर में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि राइट हैंड साइड पे 20 मार्बल बच गए। तो ऐसा नहीं है कि अकेला राइट हैंड साइड से निकाला, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तराजू झुक जाता, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से भी एक कंचा निकाल दिया। अब देखिए ये अलग से जो आपको खुले कंचे दिख रहे हैं ये सिर्फ 4 हैं। इसी तरह एक एक करके हम मार्बल्स निकालते रहेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 3 मार्बल्स बच गए है ना, और राइट हैंड साइड में 19 मार्बल्स बच गए। और मार्बल्स निकालते हैं बच्चों, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 मार्बल और राइट हैंड साइड 18 बच गए। इस तरह से अगर हम निकालते रहेंगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अलग से खुले कोई मार्बल नहीं बचे हैं, जबकि राइट हैंड साइड में 16 मार्बल बच गए। पहले 21 थे, अब 16 बच गए, क्योंकि दोनों तरफ से हमने 5-5 मार्बल्स हटा दिए हैं, है ना। ये तो ये कर सकते हो आप कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 5-5 का माइनस कर सकते थे आप, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मेरे को 5 एक्स्ट्रा दिख रहा था। अब x=8 आ गया, ठीक है। तो देखिए 2x 16 है, तो x किसके बराबर होगा भाई, 8 के बराबर होगा, 16 का आधा 8 होता है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू इजीली हम निकाल पाए। इसी तरह से बच्चों अगर कोई आपको मान निकालना है, किसी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा,
उसमें आपको दोनों तरफ x के अलावा या फिर वेरिएबल जो हो उसके अलावा जो भी चीजें हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा, तो आपको माइनस करना पड़े या प्लस करना पड़े, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल की मदद से मैंने आपको समझाया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे सीख रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये एग्जांपल आपने कर लिए थे, ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद है बच्चों आप अपना होमवर्क टाइम पे कर रहे होंगे कंप्लीट। अब जो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम इन द टेबल। तो ये जो टेबल दिख रहा है इसमें जो आखिरी वाला कॉलम है इसको कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहां पे इस टेबल में देखिए ध्यान से, आपको जो ये आखिरी कॉलम है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बच्चों, तो आप अपनी किताब में भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये सबसे पहले इक्वेशन दी है, इक्वेशन यानी समीकरण, इसको हम समीकरण बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, समीकरण, ठीक है। और ये मान है, वैल्यू मतलब मान। तो भाई समीकरण दिया है और मान दिया है, आपको बताना है कि भाई ये क्या है, इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, मतलब ये इक्वेशन संतुष्ट होती है या नहीं। अगर होती है तो आपको लिखना है यस, नहीं होती तो नो। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे अगर है एक्स प्लस तीन, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, इक्वेशन है, समीकरण है। अब यहाँ पे x का मान अगर आपको कितना दिया है, तीन दिया है, x का मान तीन दिया है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। आप देखिए अगर आप अपना हाथ ऐसे रखते हैं तो ये हो गया लेफ्ट हैंड आपका, ये हो गया राइट हैंड, तो जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा इक्वेलिटी के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और जो पक्ष इक्वेलिटी के राइट हैंड साइड होगा वो होगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो x प्लस थ्री लेफ्ट हैंड साइड हो गया, है ना। अब तीन यहाँ पे कितना है बच्चों, तीन है, x तीन के बराबर है तो तीन प्लस तीन ये आ गया छह, जबकि राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड जीरो है, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, है ना, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसीलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप यहां पे लिख देंगे नो, ठीक है। तो इसी तरह से जो बाकी आपको समीकरण दिए गए हैं उनको चेक कीजिए कि क्या ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, और फिर अपना आंसर बताइए बच्चों। तो बच्चों ये सब आपने नोट डाउन कर लिया फर्स्ट पार्ट, इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स भी करेंगे। अब जिस किसी बच्चे का आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का, अपना आंसर आप शेयर कर दें। तो देखिए सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के लेफ्ट में जो है एक्स प्लस थ्री होगा, तो एक्स प्लस थ्री यहाँ पे लिख देंगे। अब एक्स कितना है, एक्स है बच्चों, Because x is equal to zero. यहाँ पे x zero है, तो x plus three कितना हो जाएगा? Zero plus three is equal to three. तो left hand side तीन आ गया, जबकि right hand side कितना है? Right hand side zero है. तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं left hand side और right hand side बराबर नहीं है, तो ये equation satisfy नहीं कर रहा, तो यहाँ भी आप लिखेंगे
नो यानी नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है आपको, x प्लस 3 ही दिया है, लेकिन यहां पे x कितना है, x माइनस 3 है बच्चों, माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और राइट हैंड साइड भी 0 है बच्चों, है ना। तो यहां पे हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो इसीलिए यहां पे आप लिख देंगे यस ये सेटिस्फाई करता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ठीक है, ये समीकरण संतुष्ट है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, x का मान x में रख लेंगे, है ना, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है भाई बराबर आना चाहिए, हमें तो उस चीज से मतलब है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, x माइनस 7, x यहां पे कितना है 7, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जबकि राइट हैंड साइड कितना है यहां पे 1, तो भाई राइट हैंड साइड यहां पे 7 है बच्चों, तो राइट हैंड साइड 7 है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, बराबर तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ, तो ये आप लिख देंगे नो, नोट डाउन कीजिए इनको। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया आप सबने। अब इसी तरह से जो भी आपके सामने यहां पे क्वेश्चन है देखिए, ये है ये कर लिया हमने, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x यहां पे 8 है, यहां पे x की जगह आप 8 पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए हम ये करते हैं एक बारी, सिक्स और सेवेंथ पार्ट करते हैं इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे 5x है, 5x है, और x कितना है बच्चों, x 0 है यहां पे, तो 5 इंटू 0 आएगा, मतलब आंसर आपका 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड तो बच्चों 25 है, राइट हैंड साइड 25 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुए, इसीलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो हम नेक्स्ट करते हैं, ये सिक्स था तो ये सेवेंथ होने वाला है। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, सेम चीज दी है 5x, और x यहां पे कितना है, x यहां पे अलग है, x से यहां पे 5 देख सकते हैं, 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, और देखिए राइट हैंड साइड भी हमारे पास 25 है। तो अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बराबर आए, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष जब बराबर आ गया है तो आप यहां पे लिख देंगे यस, क्योंकि ये इक्वेशन ये समीकरण संतुष्ट है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है बच्चों। तो इसी तरह जो ये वाला है ये आप खुद करेंगे, है ना, जो आठवां है ये आप खुद करेंगे बच्चों, इसी तरह पांचवा भी आप खुद करेंगे। अब देखिए बाकी के जो आए हैं क्वेश्चंस वो डिवाइड करने वाले आए हैं, भाग वाले आए हैं बच्चों, तो इनको आप डिवाइड कैसे करेंगे, यहां पे देखिए एक पार्ट में कर देता हूं टेंथ, ठीक है, तो यहां पे हम दसवां भाग करेंगे, और दसवां भाग क्या है बच्चों, टेंथ में है लेफ्ट हैंड साइड दिया है आपको m बटे 3, और m कितना दिया है यहाँ पे, 0 दिया है बच्चों, m कितना दिया है, 0 दिया है, 0 बटे 3 कितना होता है, 0 होता है, जबकि राइट हैंड साइड भी कितना है, 0 है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 हैं, तो ये समीकरण सेटिस्फाई करता है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो बाकी के पार्ट्स बच गए हैं जो यहाँ पे हमने कवर नहीं किए हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं ताकि आप उनको होमवर्क में करके लेके आए बच्चों, ठीक है, ये आपका होमवर्क होने वाला है।
तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। देखिए, बेसिक चीजें जो हमने सीखी हैं वो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगी क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। इसलिए जो बेसिक्स हमने स्लाइड के माध्यम से आज सीखा है उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, और बच्चों उसी के आधार पे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।